अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी ठीक हैं खरगे से हैं मैं आज आपको लीड्स हासिल करने का एक नया तरीक़ाकार बताता हूँ मैं उसको क्लीन करने का तरीकाकार बताता हूँ मैं और उसके बाद आपने उस उसकी ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है उसका एक मैं तरीकाकार मैं आपको मैं बताता हूँ और ये मेरे ख्याल में जो है ना आपके लिए नई चीज़ होगी और अगर आपको इसमें से पहले से ऑलरेडी से कुछ चीज़ों का पता है तो मुझे यकीन है कि आप इसको मजीद जो है ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे सबसे पहले तो ये है कि आपने एक सॉफ्टवेयर लेना है ये आपको मार्केट से इंटरनेट से आम मिल जाएगा और ये सॉफ्टवेयर जो है ना आपको लीड्स जो है ना वो फ्राहम करेगा ये लीड्स जनरेशन सॉफ्टवेयर कोई सा भी आप ले लें पेड भी होते हैं ये वाले और फ्री वाले भी होते हैं और मैं आपको मैं दोबारा यहाँ पर मैं लिखता लिख देता हूँ मैं लीड्स जनरेशन सॉफ्टवेयर ये आपको गूगल से मिल जाएंगे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे पेड भी होते हैं और फ्री वाले भी होते हैं इसमें से आपने लीड्स लेनी है और उनको आपने जो ना डाउनलोड कर लेना अपने पास आपने उसकी एक एक्सेल शीट बना लेनी है और हो सकता है कि आपके पास जब वो डाउनलोड हो तो वो सी फाइल की शक्ल में आपके पास डाउनलोड हो जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो फिर आपके पास आ जाएंगे दो तरीक़े नंबर एक तो ये है कि ये एक आ, प्रोग्राम है स्नोव्यू स्नोव्यू की एक एक्सटेंशन जो है ना आपको गूगल से मिलेगी ये एक सॉफ्टवेयर है पेड सॉफ्टवेयर है और फ्री भी है इसमें फ्री में आपको चंद एक जो फीचर इसमें आपको वो देंगे और पेड में जो ना आपको वो अच्छे खासे इसके फीचर देंगे इसका फ़ायदा क्या है कि जब आपके पास वो वाला डाटा आ जाता है ई का डाटा और उसको आपने वेरीफ़ाई करना है कि क्या वाकई ये वाले ई मेल वैलड है या नहीं है ये वाले। ये जो है ना स्नोवियो जो है ना आपको ये बता देगा दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो है ना ऑटोमेटिकली ई मेल की एक कम्पेन बनती है फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने लेटर लिखा उसको भेज दिया उस लेटर में आपने ये लिखा कि अगर आपको मज़ीद सेम्पल्स की ज़रूरत है या प्राइसिस की ज़रूरत है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं जो ही आपका कस्टमर वो आपका ईमेल खोलता है और उसमें उसने देखा कि आपने लिखा हुआ है कि आपको प्राइस या सैंपल्स की ज़रूरत है तो वो आपको रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे सैंपल भेजो और या प्राइस भेजो ये जो सॉफ्टवेयर जो है ना ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि उसमें कीवर्ड जो है ना प्राइस का और सैंपल्स का उसने इस्तेमाल किया है तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना आपका पहले से एक तैयारशुदा ख़त जो है ना वो उसको उसी वक्त भेज देगा चाहे रात का वक्त है आप सोए हुए हैं और ये आपको जो है ना उसी वक्त ये सॉफ्टवेयर जो है ना आपकी हेल्प करेगा और ऑटोमेटिकली ये भेज देगा उसके बाद ये एक और तरीका कार है आपने ईमेल को वेरीफाई करने का कि आप अपने किसी एम्प्लाई को साथ रखें या किसी ऐसे आदमी को या किसी ऐसे जो है से या बहुत सारे आपको जो है ना यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स इस तरह के इंटर्नशिप के ऊपर मिल जाते हैं उनको आप लिस्ट दें उनको कहें कि ये ईमेल की लिस्ट है या ये वाली एक वेबसाइट की लिस्ट है इसको जो है ना आप वेबसाइट के ऊपर गूगल के ऊपर जाएँ वहाँ से जाके इसको वेरीफाई करें क्या ये वाकई आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक वेबसाइट आए तो उसका डाटा जो है ना आप एक्सेल की शीट में एक कॉलम में लिख दें चाहे उसका कॉलम ग्रीन कर लें या ऊपर क्लेंट लिख लें या जो भी कर लें यानी कि वो एक क्लेंट जो है ना वो डाटा आपका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और अगर वो आपके प्रोडक्ट के मुताबिक वो वाली वेबसाइट नहीं है उसमें आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं है तो उसको आप फर्क कर दें उसके ऊपर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद आपकी बारी आ जाती है कि आपने ई मेल मार्केटिंग करनी है आपके पास दो चीज़ें हैं ई मेल करने के लिए सस्ते वाली जो चीज़ है और जो फ्री वाली आलमोस्ट चीज़ है वो है गूगल गूगल का जो ई मेल सॉफ्टवेयर जो आम जो गूगल का ई मेल सॉफ्टवेयर वो वाला इसमें क्या होगा कि इसमें आप तकरीबन दो सौ पचास लोगों को एक ही वक्त में ई मेल कर सकते हैं और एक दिन में कर सकते हैं इस तरह से आपकी एफर्ट जो ना वो बच जाती हैं 150 250 लोगों की एक लिस्ट बना लें उनका एक ग्रुप बना लें आप अपनी ईमेल तैयार करें और उसको बाद उसको एक बटन दबाएं और 250 लोगों को वो बोली ई चली जाएगी वो बोली ये फ्री, फ्री वाला ये वाला काम दूसरा जो इसके अलावा जो पेड़ है जो आपको कुछ फ़ायदे भी देगा वो है यट एंड अदर ई मेल मर्च ये एक एक्सटेंशन है और ये एक्सटेंशन आपको गूगल से मिल जाएगी आप इसको जो है ना इंस्टॉल करें आपकी गूगल के जो ब्राउज़र जो है ना उसके ऊपर जो है एक एक्सटेंशन बन जाएगी अब इसके ऊपर आप ये कर सकते हैं कि इसको आप एक माह का सॉरी एक साल का जो है ना वो तकरीबन अट्ठाईस डॉलर जो है ना वो इसको आप पे करेंगे और इसमें भी वही चीज़ें हैं कि आप गूगल की जो शीट है उसके ऊपर एक्सेल की उसके ऊपर 400 लोगों का ईमेल का एड्रेस आप रख सकते हैं उसके बाद आपने गूगल में वापस जाना है और वहाँ पर जाके ईमेल कंपोज करनी है ईमेल कंपोज करके उसको क्लोज़ कर देना है वापस आके आपने येट अनदर ईमेल खोलना है और वहाँ पर जाके ना आपने वो कंपेन जो आपने गूगल के जो ई मेल की फॉर्म बनाई है और उसको क्लोज़ किया था उसी को आपने सेलेक्ट करके एक बटन दबाना और ये आपकी 400 लोगों को जो ना ईमेल ई मेल चली जाएगी इससे फ़ायदा क्या होगा आपको चार ईमेल सौ ई मेल भेजने का यहाँ से इससे फ़ायदा ये होगा कि नंबर एक तो जो जो ना आपकी ई मेल को ये ट्रैक करेगा तो कि आपकी ईमेल जो ना आपके कस्टमर ने ओपन की है या नहीं की है। दूसरे नंबर के ऊपर ये ये आपको बताएगा कि आपकी ईमेल के अंदर जो लिंक आपने लगाया था क्या उसके ऊपर उसने क्लिक किया या नहीं किया इसके बाद आपको ये बताएगा कि क्या आपकी ईमेल पढ़ने के बाद आपके कस्टमर ने आपको रिप्लाई किया है या नहीं किया ये भी आपको आ, रिपोर्ट बताएगा इसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज़ आपको बताएगा कि बहुत सारी ईमेल जो है ना कस्टमर तक पहुंचती नहीं है हो सकता है उनका जो सर्वर जो ना ऑलरेडी वो ब्लॉक है या किसी वजह से वो ईमेल ही ख़राब है तो वो ईमेल बाउंस हो जाती है ये सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आपकी कितनी ई मेल बांस हो गई है यानी कि इस पेड़ वाले को इस्तेमाल करने से कम से कम आपको ये पता चल जाता है कि आपकी ईमेल गई किधर है और उसका हुआ क्या है उसका इसके बाद इसी सॉफ्टवेयर के कुछ और भी फ़ायदे हैं मोटे मोटे से जो फ़ायदे हैं मैं आपको मैं बता देता हूँ मैं अगर आपने फॉलोअप करना है आपने एक ऑलरेडी ख़त लिखा हुआ है और आपने ये देखना है कि ऑलरेडी जिन जिन लोगों ने उस ईमेल को ओपन किया लेकिन आपको उसने रिप्लाई नहीं किया तो ये प्रोग्राम आपसे पूछेगा कि क्या उन लोगों को मैं ईमेल भेज दूं आपने जस्ट एक बटन क्लिक करना है और उन चार सौ लोगों को साढ़े तीन सौ लोगों को जो ना वो ईमेल चली जानी है एक क्लिक के ऊपर इसके बाद आप ये आपसे भाई ये पूछेगा कि उन लोगों को क्या मैं ईमेल भेज दूँ जिन्होंने आपकी ईमेल ओपन नहीं की आप कहते हैं यस भेज दूँ आपने वो यस का बटन क्लिक करना है सेकंड में जो ना वो ईमेल चली जानी है ये आपसे ये पूछेगा कि जिन लोगों ने आपकी ईमेल को ओपन किया लेकिन आपको रिप्लाई नहीं किया उन्होंने क्या उनको मैं ईमेल भेज दूँ मैं आपके हाँ ठीक है इसको भी आप भेज दो एक क्लिक करेंगे तो ये भी आपकी ईमेल चली जाएगी इसके अलावा यहाँ पे पोल की भी जो ना एक फ़ायदा जो ना मौजूद है यहाँ पे उन्होंने दी हुई है फैसिलिटी जाना चाहिए वो दी हुई है पोल की पोल का मतलब है कि आप कस्टमर से पूछते हैं कि क्या आपको सैंपल चाहिए यस या ये नो आपका कस्टमर कहता है यस आपको ऑटोमेटिकली एक ना एक ईमेल आ जाएगी और उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि फ़लह फलान ने कहा कि हाँ मुझे भेज दो और जो नो कहेगा आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी और उसके ऊपर लिखा आ जाएगा कि इतने परसेंट लोगों ने नो किया है इतने परसेंट लोगों ने यस किया इसको ये पोल है इसके बाद एक और जो फ़ायदा आप कहते हैं कि यार आज मैंने ईमेल लिखनी है लेकिन भेजनी नहीं है आज मैंने मैंने चार दिन के बाद भेजनी है इसमें आप चार दिन बाद की जो डेट है और टाइम है वो सेट कर दें और मज़े से आप अपने दूसरे काम जो ना वो करते रहें आप उस डेट को उस टाइम के ऊपर ये ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल जो है ना वो वो रवाना कर देगा ये है उसके फायदे अच्छा जी इसके बाद आपकी ई मेल जो है ना कंपोज करने की बारी आती है उसमें आपने क्या करना है उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो आपने कॉन्टेंट जो है ना ई मेल का वो बनाना है कॉन्टेंट का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो उसमें आपने टेक्स्ट लिखना है कि आप कस्टमर को ई मेल कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं उसमें क्या लिखना चाह हैं इसको टेक्स्ट का कॉन्टेंट कहते हैं तो ये आपने लिखना है उसमें मुख्तसर सा लिखे हैं दो चार लाइनों का लिखे हैं इस ईमेल में आप फ़ोटो और वीडियो को भी आप शामिल कर सकते हैं नहाय अफेक्टिव है ये वाला काम फ़ोटो और वीडियो का अगर आप करना चाहें दूसरे नंबर के ऊपर जो है ना आप न्यूज़ लेटर बना सकते हैं आप हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना आप न्यूज़ लेटर बनाए कि ये मेरी प्रोडक्ट है ये मैंने डेवलपमेंट की है ये हमारी स्पेशल आइटम है इसकी जो हमने प्राइस चुना ये वाली रखी है इसकी डिलीवरी जो हम इतने दिनों में करते हैं या मेरे पास ये स्टॉक में मौजूद है और इसको हम इमीजिएटली भेज सकते हैं इस तरह की तरह तरह की जो चीज़ें जो आपने ऑलरेडी अपने जहन में जो ना वो कम्पोज की हुई हैं ये सारा चीज़ें जो ना ये वाली इसमें वीडियो टेक्स्ट और फोटो इसको हम कहते हैं कॉन्टेंट ये आपने तैयार करना है मुख्तर सा करना है लंबा चौड़ा नहीं करना इसमें चंद लाइनें आपके टेक्स्ट की हों एक आध वीडियो अगर हो तो बेहतर है लेकिन वीडियो भी जो है ना वो लेंथ ही नहीं होनी चाहिए एक मिनट या एक मिनट से भी कम की होनी चाहिए फोटो अगर हो तो नहायत जानदार फ़ोटो और जोरदार फ़ोटो से समझ आए कि वो आप उसको चीज़ कौन सी जो है ना वो ऑफ़र करना चाह रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है ये आपने चीज़ें तैयार करनी है इसके लिए आपको एक टीम चाहिए ये आप अलग से टीम भी रख सकते हैं या, या सारा काम आप खुद भी कर सकते हैं टीम में शामिल होगा एक राइटर जो आपका टेक्स्चल जो कंटेंट है ना वो लिखेगा यानी कि ख़त लिखेगा आम जबान में आप कह रहे हैं जो ईमेल लिखेगा वो आपको चाहिए आप खुद लिखना चाहते हैं या किसी से लिखवाना चाहते हैं <klesk> फोटो एडिटर जो है ना आपको चाहिए जो फ़ोटो भी खींचे और उस फोटो को एडिट भी करे आपको वो चाहिए आपको आपको एक वीडियो जो है ना वीडियोग्राफर चाहिए जो वीडियो बनाए भी और उसको एडिट भी करे वो आपको चाहिए अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद भी आज आजकल तो स्मार्टफोन आप सब लोगों के पास है और आप मिनट्स में जो ना ये काम कर सकते हैं इसके अलावा आप को ज़रूरत है एक डिज़ाइनर की जो आपकी कंपेन को जो ना वो डिज़ाइन करे आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं तो खुद कर लें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं फोटोशॉप है और इस तरह के बेशुमार जो ना सॉफ्टवेयर है फ्री वाले भी हैं उससे आप अपना काम चलाएँ तो ये तो होगी आपकी टीम कि आपको टीम कौन सी चाहिए इसके बाद जो है ना आपके पास सोशल मीडिया का जो है ना एक पूरा एक हैंडल जो है ना वो होना चाहिए प्लेटफॉर्म एक पूरे का पूरा होना चाहिए जिसमें फेसबुक का पेज फेसबुक पेज होम नहीं फेसबुक पेज आपकी प्रोडक्ट का वो ना होना चाहिए आपकी लाइन बिजनेस लाइन का होना चाहिए <coughs> इंस्टाग्राम होना चाहिए लिंकड होना चाहिए गूगल माई बिज़नेस होना चाहिए ये जो चार चीज़ें हैं इसके ऊपर जो कंटेंट है ना वही कंटेंट जो आप ईमेल के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं वही आप इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ आपने एक और काम करना है वो ये करना है कि आपने फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर गूगल के ऊपर जो ना ऐड भी आप चलाएं इससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो ना वो हाई होगी ही को कीवर्ड जो ना आपकी वेबसाइट के मुताबिक आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेगा आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगी ये आप एक दो माह के बाद जो है ना इस तरह का काम कर सकते हैं कोई महंगा का काम नहीं है सस्ता काम है कम इस से कम इससे तो सस्ता है ना कि आप टिकट लेके वीज़ा लेके कर उस मुल्क में जाते हैं तो उससे तो ये ढेरों दर्जे सस्ता काम है ये वाला इसके बाद आपको चाहिए अपनी वेबसाइट आपकी वेबसाइट जो ना बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए दो किस्म की वेबसाइट है एक है स्टैटिक स्टैटिक वो वाली है जिसने जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट लगाई हैं और आप ये इंतज़ार करते हैं कि जो कस्टमर जो ना आपको जो आर्डर देगा वो आपको कस्टमाइज किस्म का आर्डर देगा और वो वाला आर्डर जो होगा उसमें वो अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें बनवाएगा वो स्टैटिक आप उसको वेबसाइट कह सकते हैं दूसरे नंबर के ऊपर जो वेबसाइट आती है वो ई e कॉमर्स की आती है ये ज़्यादातर बी टू सी लोगों के लिए होती है कि आप बी टू सी लोगों को जो है ना डायरेक्ट कस्टमर को आप चीज़ें जो है ना वो सेल करना चाहते हैं तो ये दो किस्में हैं इसकी वेबसाइट की ये आपके पास होनी चाहिए ये वाली तो ये पूरे का पूरा एक पैकेज है ये वाला जो जिसका एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है इसकी आ, अगर तो आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल डिटेल में फॉर एग्जांपल ये एयरटैन और अदर मेल कैसे चलेगा गूगल मेल और इसके ग्रुप्स कैसे बनेंगे वेरीफाई कैसे करना है स्नोव्यू को कैसे इस्तेमाल करना है इसके अलावा फेसबुक का पेज फे इंस्टाग्राम लिंकड इन गूगल माई बिज़नेस और इसी तरह आ, ये जो कॉन्टेंट है ये कैसे डेवलप करना है तो इसके लिए आपको एक टाइम चाहिए या तो आप ख़ुद सीखें या ये वाले काम जो है ना वो किसी से आप करवा सकते हैं तो ये वाली वो चीज़ें जो आपको एक मार्केटिंग के लिए आपके टेबल से जो आपने मार्केटिंग करनी है उसके लिए ये आपको चाहिए ये वाली चीज़ें मज़ीद कुछ आप जानना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं दुआ में याद रखिएगा थैंक यू अल्लाह हाफ